होगा। पावर प्ले का ओवर ज्यादातर फील्डर हमें दिखेंगे दायरे के अंदर, यानी कि बड़े शॉट्स खेलने का मौका यहां सभी बल्लेबाजों के लिए। हमारे साथ मौजूद हमारे साजिद अली साजिद भाई, हमारे जब्बार भाई मंच पर यहां पर मौजूद हैं पूरे खलूस के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, एक अच्छी साझेदारी एक अच्छी यारी यहां पर दिखाते हुए क्रिकेट और व्यू स्पोर्ट्स और यूनिटी स्पोर्ट्स क्लब के साथ। और व्यू स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, व्यू स्पोर्ट्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। चीता कैंप सरजमीन पर हम देखते हैं बहुत सारे क्रिकेट होते हैं और जितने भी क्रिकेट होते हैं एक बहुत ही समझ लीजिए 365 डेज का क्रिकेट है। और जहां पर बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आती है तो हम देखते हैं कि ज्यादातर आपको जितनी भी टीमें हैं लगभग 80 टीमों से कम, 80 से कम यहाँ पर टीम है नहीं जो क्रिकेट खेलना चाहती है और खेलना चाहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीम है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें मौका मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने का यहाँ पर काम किया है वीयू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 लाइव प्रो लिंक के माध्यम से। और साथ ही साथ जितनी भी टीमें हमें जर्सीज में नजर आती है वो सारी जर्सीज आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी एक अच्छी प्रिंटिंग के साथ, एक हाई क्वालिटी फैब्रिक के साथ हमें वीयू स्पोर्ट्स से मुहैया कराते हैं हमारे सलाउ। इस बार पहली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला है, वहां पर फील्डर है। पहली गेंद अच्छी रही यहां पर गेंदबाज सोहेल के लिए। और ये फिर से बहुत ही अच्छा इनसाइड आउट, वह देखना होगा गेंद बिल्कुल यहां पर फील्डर की थोड़ी मिसजजमेंट के चलते यहां पर गेंद चली गई है हवा के साथ साथ घटा के संग संग पूरे 6 रनों के लिए। मौका था, कैच बन सकता था, लेकिन वहां पर फील्डर को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, फैंस से टकरा गए, वरना एक आसान सा कैच यहां पर हो सकता था। और एक ऐसे बल्लेबाज यानी कि जुपे जो इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ, एक ब्लू प्रिंट उनके दिमाग में है इस ग्राउंड का। और फिर से इस बार कमाल का जबरदस्त, इससे पहले कि गेंद बदलती काटा बल्लेबाज ने लगाया चाटा, गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर कहती हुई बाय बाय टाटा। और दर्शकों ने पूछा कि भाई साहब ये कौन सा बल्लेबाज है, कौन सी चक्की का खाता है आटा। तो मैं आपको बताता चलो, ये गेहूं का आटा खाता है ना कि डाटा। और आजकल हमारे बच्चे लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा परेशान है डाटा यानी कि इंटरनेट मोबाइल थमा दिया गया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बच्चे जो देखने को मिलते नहीं। लेकिन यहाँ पर चीता कैंप सरजमीन पर मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर सभी क्रिकेट प्रेमियों का कि ऐसा क्रिकेट का माहौल बनाया कि हमें हर बच्चा यहाँ पर खेलते हुए नजर आता है। और ये देखना होगा इस बार अच्छी गेंद कमाल का, दो बैक टू बैक क्लासिकल सिक्सर के बाद एक अच्छी वापसी यहाँ पर सोहेल की। ये अच्छी गेंद थी क्योंकि जानते हैं कि ऑफ साइड में यानी कि मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाने जाने वाले पहचानने वाले जुबेर, जो रनों के कुबेर के नाम से भी जाने जाते हैं, अपने क्लासिकल ट्रेडमार्क शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, ऐसे बल्लेबाज है। तो यहां पर थोड़ा सा स्टंप्स को टारगेट किया और फिर से इस बार ऑन साइड में देखना होगा, फील्डर और गेंद के बीच में लगी है रेस, फील्डर जाएंगे हार, मिलेगा एक ताकतवर चार। और एक खूबसूरत शॉट यहां पर आता हुआ इस बार सईद के बल्ले से, तंदना तेजदार दमदार चौका, एक अच्छा शॉट यहां पर सईद के बल्ले से भी, एक अच्छा तोहफा मिला था, फुल टॉस गेंद थी। और ऐसी गेंद है कि ऐसी गेंद को बल्लेबाज कहीं भी खेलना चाहता है और चाहता है कि हर गेंद इसी तरह की आए। और फिर से इस बार गेंद जाकर पैड से टकराई है और इस गेंद पर रन कोई आएगा नहीं, यानी कि डॉट की गेंद होगी और डॉट गेंद के बाद यानी कि ओवर की हो गई है समाप्ति। स्कोर की बात की जाए 17 रन, एक अच्छा स्कोर, यानी कि जिस लय के लिए जाने जाती है, जिस पावरफुल बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है, सीसी वॉरियर्स ने यहां पर अच्छी शुरुआत कर दी है, जहां पर हम देख सकते हैं कि दो दमदार दर्जेदार आला दर्जे का शॉट, एक अपर कट और एक ओवर द कवर्स हमें देखने को मिला, जहां पर जुबेर के बल्ले से तो बेहतरीन मैक्सिमम यहां पर देखने को मिले, जिसके बदौलत यहां पर पहले ओवर में स्कोर ने काफी अच्छी फुर्ती तेजी दिखाते हुए 17 रनों तक पहुंचने का काम किया है। अब आएंगे अगला ओवर लेकर गेंदबाज सूर्या। और एक चीता कैम का तेज तर्रारा सेंसेशन ऑल ओवर इंडिया में, जिसके नाम की मस्ती है धूम।
दिया था वो। सूर्या सूर्या आए हैं गेंदबाजी के लिए और ये थोड़ी सी काफी ज्यादा भटकती हुई गेंद और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर ने व्हाइट करार दिया है और सूर्या थोड़ी सी तबीयत नासाज है उनकी, थोड़े से इंजर्ड है जिनके वजह से हमने देखा कि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक ठाक लग रही है। और ये अच्छी है, फिर से एक क्लासिकल अपर कट खेला है शॉट, देखना होगा गेंद डिक्लेयर जोन में गई है और अंपायर ने एक रन करार दिया है। बॉल की रिप्लेसमेंट चलिए फ्यूरियस सूर्या गेंदबाजी मार्क पर और एक तेज तर्रारा सेंसेशन इस चीता कैंप सर जमीन का ऑल ओवर इंडिया में जिसे जाना जाता है पहचाना जाता है चीता कैंप का एक और एक तेज तर्रारा गेंदबाज जो हमें ऑल ओवर इंडिया में ओपन के गुटों में खेलते हुए बड़ी बड़ी टीमों के साथ नजर आता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ नजर आता है, चाहे वो फरदीन काजी हो, चाहे वो श्रेयस कदम हो, चाहे वो प्रथमेश पवार हो, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने वाला यानी कि सूर्या द फ्यूरियस उमर 11 में खुद की उपस्थिति देने वाला ये खिलाड़ी काफी बेहतरीन क्रिकेट खेली है और काफी मैन ऑफ द सीरीज भी अपने नाम करने का एजाज हासिल किया है। बेस्ट बॉलर का खिताब लेने का भी एजाज अपने नाम कर चुका है ऐसा खिलाड़ी। और ये देखिए ये फ्यूरियस यही तेज तर्रार यही फ्यूरियस के लिए जाने जाते हैं पहचाने जाते हैं। कमाल की गेंदबाजी यहां पर बल्लेबाज बढ़कर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन यहां पर सूर्या ने पहले वो चहलकदमी देखी और कमाल का गेंद यहां पर डिलीवर किया। गेंद रही डॉट बिंदी और ये फुल टॉस गेंद है यहां पर एक कमाल का शॉट जरूर था लेकिन उससे भी बेहतरीन कैच यहां पर डीप मिड विकेट पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने नहीं की कोई गलती और एक बड़ी विकेट अपने नाम करते हुए फ्यूरियस सूर्या बड़ी विकेट यहां पर गई है। जुबे जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अच्छी शुरुआत थी लेकिन यहां पर एक अच्छा मौका था फुल टॉस लाइन की गेंद थी उसे एलिवेट कर पाए नहीं फ्लैट बैटेड शॉट खेला फील्डर आड़े आए और एक अच्छा कैच। आलम बहुत ही कमाल का कैच है, आलम ने भी बता दिया है कि वो फील्डिंग में बालम है, बहुत ही कमाल का कैच है, अच्छा कैच, इतना आसान होता नहीं है, हल्की गेंद है और इस हल्की गेंद पर अगर आपने छोटी से भी हल्की सी भी अगर आपने गलती की तो गेंद हाथ से छिटक जाती है। और अब आते हुआ चीता कैंप का वंडर बॉय नौमान नो लुक शॉट का मास्टर नौमान और गेंदबाजी मार्क पर सूर्या बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई बहुत ही अच्छी मस्तक पे दस्तक देकर कानों में कह के जाती हुई ये गेंद यू कांट सी मी अंपायर के इशारे का यहां पर रहेगा इंतजार। अंपायर ने एक वन बाउंस का इंडिकेशन दिया जरूर है, अच्छी गेंद थी तेज गेंद थी नौमान को खड़ा खड़ा वहां पर सिर्फ देखते रहने पड़ी वो गेंद। चलिए अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, अंपायर से कोई आर्ग्यू करेगा नहीं, अंपायर अपना डिसीजन देंगे, अंपायर से प्लीज कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेले आप थ्रू आउट द डे आज सुपर संडे महासंग्राम और वो कहते हैं ना कि जिंदगी हो या क्रिकेट हो अगर जीतना ही है तो लोगों के दिल जीतो क्योंकि सिकंदर भी दुनिया जीता था लेकिन गया तो खाली हाथ। बहुत जरूरी होता है कि सभी के दिलों को जीतना। चलिए अंपायर जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले और मैच को स्टार्ट करें, मैच को रिज्यूम करें, अंपायर से कोई आर्ग्यू ना करें प्लीज, अंपायर अपना डिसीजन देंगे।
खूबसूरत सा टूर्नामेंट व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 2 से नो टू ड्रग्स। स्पेशल थैंक्स टू ऑल अवर स्पॉन्सर्स जुपिटर हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जल्लीकट्टू गियर अप, बीए स्पोर्ट्स, जावेद भाई लजीज पकवान, स्टार पेट उल्वे एरनोरिस, की स्पोर्ट्स और अकी स्पोर्ट्स के हमारे साथी यहां नजर आ रहे हैं रेहान। अकी स्पोर्ट्स आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे रेहान। अकी स्पोर्ट्स के बहुत ही अहम और हमारे लिए भी काफी अहम और साथ ही साथ जेबिस नेट सलीम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जावेद भाई लुल्लू द कोजाति हर्बल, एक बेहतरीन सा आयुर्वेद, साथ ही साथ कतरा कॉर्पोरेट अतर विद नो अल्कोहल, साथ ही साथ दो चाय पत्ती हमारे शिविन भाई, रोहित नायडू साहेब। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे यहाँ पर चीता कैंप स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर सजाने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हमारे जब्बार भाई, हमारे साजिद भाई, हमारे अयूब भाई, हम सभी का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में जहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर एंट्री फीस कोई ली नहीं गई है और एंट्री फीस नहीं लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ड्रग्स फ्री, यानी कि ड्रग्स की नो एंट्री हो, ड्रग्स से दूर रहा जाए। और साथ ही साथ हमने देखा चार टीमों में यहाँ पर इनामी राशि बांटी जाएगी जो कि 25,000 की इनामी राशि होगी, जहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसी इनामी राशि बांटी जाएगी। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं चमचमाती ट्रॉफीज भी यहाँ पर मौजूद है इस व्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में, और चार चांद लगाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए ट्रॉफीज भी यहाँ पर चारों टीम को दी जाएगी। और उसके साथ साथ और भी सोने पे सुहागा, यानी जितने भी गेंदबाज है, द लीडिंग विकेट टेकर, यानी कि जो लीडिंग विकेट टेकर होंगे उन्हें गेंदबाज बेस्ट बॉलर के खिताब से नवाजा जाएगा, ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को बेस्ट बैट्समैन के खिताब से नवाजा जाएगा, और साथ ही साथ अच्छी विकेट कीपिंग करने वाले को अच्छा विकेट का बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी दिया जाएगा, साथ ही साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा जाएगा। तो ये सारी भरमार हमें यहाँ पर नजर आती हुई, साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं और साथ ही साथ चमचमाते हुए बल्ले भी हमें नजर आ रहे हैं। और बल्ला भी हम देख सकते हैं यहाँ एक बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के खाते में जाएगी, यहाँ पर हमें चमचमाते हुए बल्ले भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे यहाँ पर वीयू स्पोर्ट्स का और हमारे यूनिटी स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब, हमारे अकबर भाई, हमारे आसिफ भाई, हमारे सलाव, हमारे सिद्दीक भाई, हमारे साद भाई, हमारे अली भाई, और बहुत ही कमाल की यहाँ पर कैमरा मैन, जो कैमरा वर्क जिसे कहते हैं वो यहाँ पर करते हुए अली प्रो लिंक के द्वारा, और अच्छी ऑपरेटिंग हमें देखने को मिली साद और प्रो लिंक, जो कि एक हाई क्वालिटी का एक ब्रॉडकास्टर ऑल ओवर इंडिया में हमें नजर आते हैं। प्रो लिंक उनके द्वारा किया जाता हुआ एक खूबसूरत सा ब्रॉडकास्टिंग, एक खूबसूरत से टूर्नामेंट को और खूबसूरत बनाने का काम करते हुए हम देख सकते हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी जो बीच में है वो विनर की है, उसके लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं रनर अप, उसके बाद थर्ड नंबर और फोर नंबर की जो ट्रॉफी है वो एक ही साइज की आपको नजर आएगी। और साथ ही साथ सभी हमें बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर और वन ऑफ द बेस्ट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और साथ ही साथ दो चमचमाते हुए बल्ले भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि एक बेस्ट बैट्समैन और साथ ही साथ एक मैन ऑफ द सीरीज के खाते में जरूर जाएगी। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। चलिए मैच यहां पर होगा ऑन, गेंदबाजी मार्क पर सूर्या, आई अच्छी गेंद है, लपेटना चाहते थे अपने ट्रेडमार्क शॉट के साथ, ऑन साइड पर गेंद गई है, एक रन मिलेगा यहां पर। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में देखना होगा कौन करेगा चढ़ाई, वही करेगा अच्छी चढ़ाई, वही लड़ेगा अच्छी लड़ाई, जिसने की होगी अच्छी पढ़ाई, यानी कि बढ़ेगा प्लेयर, जो पढ़ेगा प्लेयर तो बढ़ेगा प्लेयर, ये जरूर है क्योंकि जानते हैं एक दूसरे को, जानते हैं एक दूसरे के खेलने के अंदाज को जानते हैं। और अगली गेंद फिर से अपने ट्रेडमार्क गेंद, एक हार्ड लेंथ से राइज कराकर सरप्राइज किया यहां पर सईद नाम के एक विस्फोटक बल्लेबाज को, कानों के पास से फिर से गुजारती हुई ये गेंद, यानी कि कानों को थोड़ा सा गर्म करने वाली ये गेंद, एक अच्छी गेंद। और फिर से बहुत ही तेज अंदर की तरफ गेंद आई थी, पैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद आकर टकराई है सीधा
बल्लेबाज के पैरों पर, गेंद रही विकेटों के करीब और एक अच्छा ओवर यहां पर। सूर्या के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी की है, सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए हैं। और स्कोर की अगर बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद ओनली 21 रन, 21 रन, क्योंकि पहले ओवर में अगर बात की जाए तो 17 रन बटोरे थे, उसके बाद दूसरे ओवर में सूर्या ने आके मैच इन कराने का आज के दिन काम किया है। कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं, फुल स्टॉप लगाने में कामयाब रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्चे हैं, विकेट कोई नहीं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट आप खेलते हैं तो यहाँ पर सबसे अहम यह हो जाती है कि आप रनों से किस तरह से बचते हैं। रनों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप विकेट की महत्व वहां पड़ जाती है जब आप लॉन्ग ओवर्स के क्रिकेट आप खेल रहे हो, जैसे 10 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हो, 20 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पर विकेट की अहमियत बन जाती है। लेकिन जब आप शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हो, यहाँ पर आपको विकेट के पास नहीं जाना होता, आपको विकेटों से बचना होता है, आपको किसी तरह बच के निकलना होता है, विकेट खुद ब खुद अपने पास आती है। तो वही यहाँ पर सूर्या ने अपना एक्सपीरियंस टैलेंट के साथ इस ओवर में दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर बचकर गेंदबाजी करना है। क्योंकि अगर हम ग्राउंड की ज्योग्राफी लिहाज की अगर बात करें तो बैट के बल्ले के बीच में अगर गेंद लग जाएगी तो गेंद हो जाएगी बिल्कुल गुम। बहुत ही अच्छा मैच, चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे। अंपायर, एनी प्रॉब्लम? चलिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 21 रन और गेंदबाजी के लिए आया है और एक तेज तर्रारा फ्यूरियस यानी कि संजय भी चीता कैंप का एक बहुत ही तेज तर्रारा गेंदबाज है। कम उम्र का ये खिलाड़ी है, यंगस्टर है और काफी बेहतरीन सा शाइन करता हुआ एक स्टार है। और देखना होगा अब संजय किस तरह से यहां पर गेंदबाजी करेंगे, जिस तरह से यहां पर सूर्या बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, कफ्यूरियस गेंदबाजी की, हाथ खोलने का नहीं दिया मौका अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को, उसी तरह यहां पर संजय भी उसी चीज में महारत रखते हैं। यॉर्कर डिलीवरी डालना जानते हैं, लेंथ गेंद से राइस कराना जानते हैं, यॉर्कर जानते हैं। तो देखना होगा यहां पर कौन सी गेंद से यहां पर शुरुआत करेंगे यहां पर बल्लेबाज, द वंडर बॉय ऑफ चीता कैंप नौमान ऑन अ स्ट्राइक। और ये बहुत ही तेज गेंद थी, देखना होगा यहां पर गेंद क्या, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, एक अच्छी फील्डिंग यहां पर दिखाते हुए फील्डर ने अच्छे रन से यहां पर रोके अपनी टीम के लिए। लेकिन अब सही है स्ट्राइक पर, संजय फिर से गेंदबाजी मार्क पर और ये बल्ले का फिर से ऊपरी सिरा, लेकिन भाग्यशाली वहां पर फील्डर कोई मौजूद नहीं था, फिर से गति से यहां पर बीट किया है बल्लेबाजों को, अपने कंधे का इस्तेमाल करके यहां पर एक अच्छे लेंथ पर हिट कर रहे हैं बल्लेबाज। ऑन साइड पर जाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, एक रन से संतुष्टि दिखाते हुए वही बल्लेबाज। और इस एक रन की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 23 रन। और इस बार देखना होगा गेंद काफी ऊंची नीचे पीछे, फील्डर ने कमाल का कैच लिया है, बड़ी विकेट अपने नाम की है। और इस तरह के कैचेस पकड़कर आप अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि फील्ड इज द ओनली शील्ड फॉर एनी टीम। और यहां पर एक अच्छे शील्ड की तरह एक कैच, एक बेहतरीन किस तरह से, हालांकि इतना आसान कैच था नहीं, वो ये हल्की गेंद है, हवा घूमती है गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छा जजमेंट यहाँ पर, एक अच्छा जजमेंट दिखा, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह से कैचेस ली जाती है। गेंद अगर स्कायर है तो अपनी जो नजरें है ना, जब तक आप वो कैच लेते नहीं है, जब तक वो गेंद सुरक्षित आपके हाथों में आती नहीं है, आप अपनी नजरें गेंद से हटा सकते नहीं, क्योंकि ये हल्की गेंद है, पल में हाथ से निकल जाएगी। और ये किरण, उम्मीद की किरण अपनी टीम की, और आते ही यहां पर उम्मीद नहीं थी यहां पर गेंदबाज उनके कप्तान को कि इस तरह की वाइड आएंगी, लेकिन आई है, तेज है।
और ये फिर से बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी बल्लेबाज पे ये गेंद भारी, कमाल की गेंदबाजी, गेंद के साथ दिखाई है कमाल की यारी, ये थी जवाब करनारी। और लोगों ने जरूर कहा होगा कि भावा ले भारी, बहुत ही कमाल की गेंद, अच्छी गेंद, तेज तर्रारी गेंद, किसी भी बल्लेबाज को छकाने के लिए कामयाब गेंद। फिर से मस्तक के थोड़े से ऊपर से दस्तक देती हुई और थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई, इस गेंद में भी गति भी थी, उछाल भी थी, लेंथ थोड़ी सी बाहर हो गई, जिसके चलते अंपायर ने इसे व्हाइट करार दिया। एक अच्छी गेंद हो सकती थी अगर शायद थोड़ी अंदर होती। फिर से इस बार देखना होगा अंपायर के लिए आसानी सा एक और एक इशारा, इस बार व्हाइट करार दिया है, साथ ही साथ वन बाउंस भी यहां पर डिक्लेयर दिया है, यानी गेंदबाज का जो सर्वश्रेष्ठ एक लीथल वेपन, एक घातक हथियार जिसे कहा जाता है बाउंसर, वो अब यहाँ पर शायद संजय कर नहीं पाएंगे। और इस बात को यहाँ पर बल्लेबाज भी जानते हैं और किरण जैसा बल्लेबाज जो अपनी टीम के उम्मीद का किरण है, उम्मीद का सितारा है, जो अपनी डूबती हुई नैया को बाहर निकालने में महारत रखने वाला ऐसा खिलाड़ी है, कमाल की गेंद, बेहतरीन गेंद यहां पर अपील की गई है, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, यहां पर बड़ी अपील की है, बहुत ही कमाल की गेंद थी, कोई इसे कहता है खाचा, कोई इसे कहता है बूंदा, लेकिन इसे ओरिजिनल वर्ड में कहा जाता है यॉर्कर। और क्रिकेट में दो चीज, दो लोगों का सम्मान कभी खत्म हो सकता नहीं, एक यॉर्कर और दूसरा सचिन तेंदुलकर, ये दो चीजें ऐसी है कि जिनका सम्मान कभी खत्म हो नहीं सकता। और बहुत ही अच्छा बेहतरीन यॉर्कर स्पेशलिस्ट, एक पेस सेंसेशन, तेज तर्रारा फ्यूरियस संजय। और ये इस बार देखना होगा, गेंद हवा में है और आसान सा कैच, और एक बड़ी विकेट अपने नाम करते हुए संजय नाम के गेंदबाज ने, और एक बड़ी विकेट, उम्मीद की किरण को यहां पर डगआउट पे रवाना होने का रास्ता यहां पर दिखाया है, से फिर से परेशान किया है, यहां पर कंधे के पास से गेंद को लेकर जाना पड़ा और लॉन्ग रीजन गांव कॉर्नर क्षेत्र की तरफ खेलना पड़ा इस गेंद को, और फील्डर ने बहुत ही अच्छे कैच। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 26 रन, 26 रन, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, मात्र 5 रन दिए यहां पर, बहुत ही अच्छा कमबैक यहां पर कराते हुए केजीएन के गेंदबाज, क्योंकि पहले ओवर की अगर बात की जाए तो 17 रन खर्चे थे, उसके बाद सूर्या ने आकर सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्चे, उसके बाद संजय ने मात्र 5 रन खर्चे। और कहीं ना कहीं अगर शायद सीसी वॉरियर्स के पहले ओवर में अगर उतने रन नहीं आए होते तो आज अभी इस मैच में थोड़ा सा पलड़ा और हल्का जरूर नजर आ रहा होता सीसी वॉरियर्स का, लेकिन यह तारीफ करनी होगी जुबेर जैसे बल्लेबाज की, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बेहतरीन टॉक्सिकल शॉट्स दिखाकर पहले ओवर में शुरुआत काफी अच्छी की। आते हुए अगले गेंदबाज, नए गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर मोनू, ये अपने टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, जब भी आते हैं आखिरी ओवर लेकर आते हैं, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए तो आज के दुनिया में सबसे बड़े डेथ स्पेशलिस्ट हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि वो है जसप्रीत बुमराह, और हमारा संजय भी बिल्कुल गीता कैम का एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट, एक पेस सेंसेशन, कमाल की गेंदबाजी की। और इस बार गेंद कर दी थी स्लॉट में, पहुंचा दिया है परफेक्ट प्लॉट में, रन आएंगे स्लॉट में पूरे 6 रनों के लिए। इस बार एरर कर दिया है, हाफ वाली गेंद नहीं कर सकते, स्लॉट में गेंद नहीं कर सकते, क्योंकि सईद उस श्रेणी के बल्लेबाज है, अगर इनका बल्ला चला तो ये फिर किसी की चलने देंगे नहीं। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन निकल, जबरदस्त बल्ले के बिल्कुल करीब एक तोहफा मिला और उसे कबूल किया अपने बल्ले से सईद जैसे बल्लेबाज ने। ये अच्छी गेंद है, इस बार थोड़ी सी लेंथ में परिवर्तन देखने को मिली, इस बार थोड़ा सा टप्पा खींचा था, गेंद जाकर टारगेट से टकराई है, पैड्स पर टकराई है, विकेट के करीब, रन लेने का कोई मौका नहीं, गेंद रही डॉट बिंदी। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 32 रन 32 रन। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, सईद भी तैयार है, और कमाल का मैच यहां पर चलता हुआ, एक बहुत ही अहम मैच, डिसाइडर मैच दोनों ही टीमों के बीच, एक हाई वोल्टेज मैच।
और इस बार स्लोअर गेंद थी लेकिन दिशा से भटकी और अंपायर ने यहां पर वाइड करार दिया, जिसके चलते एक रन और जुड़ेगा खाते में। और सही गति का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, ये सोचकर यहां पर मोनो ने स्लोअर गेंद की थी लेकिन दिशा थोड़ी सी ज्यादा बाहर, जिसके चलते अंपायर ने वाइड करार दिया। ए बेटा ए और इस बाहर देखना होगा विकेट कीपर का यहां पर एक बार विकेट कीपर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल की विकेट कीपिंग है, क्विक ग्लव बिहाइंड, बिजली से भी तेज गेंद को अंदर लेकर गए और स्टंपिंग का मौका बनाना चाहते थे वहां पर। बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग, ये आप मेरे ख्याल से ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये रील में आपको देखने मिलेगी क्या हुआ था विकेटों के पीछे। बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग। और फिर से इस बार बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट खेला है और कप्तान सोहेल नहीं करने वाले कोई गलती और आसान सा कैच लेकर और एक बड़ी विकेट को डग आउट की तरफ रवाना करा है, आउट करके और उनकी जगह लेने आएंगे खुद कप्तान कैप्टन कूल इमरान। और इमरान शेख की अगर बात की जाए, कल हमने एक मैच देखा था जहां पर 5 रन अपने बल्ले से बनाए थे जिसमें एक चौका भी आया था और उस 5 रन ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो देखना होगा आज किस अंदाज से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे, पॉजिटिव इंटेंट से बल्लेबाजी करते हैं हमेशा और अपने बल्लेबाजों को भी हमेशा यही कहते हैं कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही बल्लेबाजी करना है, क्योंकि अगर हमारे पास रन होंगे तभी तो हम लड़ पाएंगे। बॉल कितनी बची है? 2 गेंदे बची हुई है, कप्तान स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर शोएब है यानी कि उप कप्तान। ओह बल्ला बहुत ही तेज चाबू घुमाया था, यहाँ पर विकेट आएगी, स्ट्राइक चाहते थे यहाँ पर शोबू उर्फ शोएब लेकिन यहाँ पर विकेट आई है, स्ट्राइक भी नहीं मिला है यानी कि दोनों तरफ से नुकसान सीसी वॉरियर्स का ही हुआ है। और अब आते हुए नरेश लक्ष्मण, चीता गेम सरजमीन के और एक बहुत ही बेहतरीन से शांत स्वभाव के खिलाड़ी जो हमेशा एक साइलेंट किलर की तरह एक जगह होते हैं और कमाल की अपनी भूमिका निभाते हैं सीसी वॉरियर्स के साथ जुड़े हुए लगातार नरेश लक्ष्मण। और आखिरी गेंद देखना होगा नरेश के पास भी एक मौका है, कमाल का मौका है यहाँ पर अपनी लीगसी प्रूफ करने का। एक गेंद है और एक गेंद पर क्या करते हैं ये जरूर देखना होगा क्योंकि लोग उसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सीसी वॉरियर्स भी इसी ताक में है कि नरेश लक्ष्मण के बल्ले से क्या आएगा। इंटेंट अच्छा था लेकिन बैटर बॉल का संपर्क नहीं आया, डायरेक्ट हिट चाहते हैं लेकिन गेंदबाज आड़े आ गए सूर्या के, जिसके चलते यहां पर एक रन ले लिया गया है, दूसरे की मांग है लेकिन मना करेंगे और एक रन के साथ लेग पाई के चलते इनिंग की हो गई है समाप्ति। इनिंग की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 34 यानी 35 का टारगेट है, 35 रन इज द टारगेट और देखना होगा 35 रन का जो टारगेट है क्या ये इनफ होगा, क्या ये बस होगा। तो चलिए जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाएंगे यहां पर सीसी वॉरियर्स और केजीएन अपने बल्लेबाज। एक अहम मैच, एक डिसाइडर मैच दोनों ही टीमों के बीच, कोई भी दोनों ही टीमें यहां पर कुछ भी यहां गलत करना चाहेगी नहीं क्योंकि जो इस मैच को गवा देगी समझ लीजिए इस टूर्नामेंट का एक मौका गवा देगी।
अच्छा हाथ में आता है।